हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी SSSC द्वारा आयोजित कराई जा रही परीक्षा वीडियो का पेपर लेकर 23 दिसंबर 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट का यह पेपर है। हम आपके सामने हाजिर हैं इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो बहुत अधिक पसंद आएगी। दोस्तों 100% एक्यूरेट और 100% प्योरता के साथ यह क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। यही क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल चेक करके भी देख सकते हैं, 100% यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार वीडियो से संबंधित खबरों को और न्यूज़ को, पेपर को कवर करते आ रहे हैं। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के पेपर एग्ज़ाम से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता पूछे गए हैं। देखिए, मैंने कल आपको बताया था जब कवियों के नाम पूछे गए थे कि अभिज्ञान शकुंतलम ज़रूर पूछी जाएगी, निश्चित ही। तो इसके रचयिता बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन और कॉमन आंसर कालिदास इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वहाँ पर पूछा गया था, इलाहाबाद में निम्न में से कौन सा मेला नहीं लगता है। तो वहाँ पर 4 मेले दिए हुए थे, 4 ऑप्शनों में 4 मेलों के नाम दिए हुए थे। बच्चे उन क्वेश्चनों को नहीं बता पाए, उन ऑप्शंस को नहीं बता पाए, तो इसके लिए हमें खेद है और इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मेले के नाम हमें नहीं पता। यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यह नदी तिब्बत से निकलती है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा इसे तिब्बत में तांगहो कहते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ब्रह्मपुत्र होगा। ब्रह्मपुत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पंचायत का हिस्सा नहीं है। पंचायत का हिस्सा नहीं है, वहाँ पर ग्राम सभा, ग्राम समिति, जिला पंचायत, इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए थे। तो वहाँ पर करेक्ट आंसर आपका था ग्राम समिति। ग्राम समिति जो है वो पंचायत का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम में कौन सी संधि, कौन सी नदियाँ मिलती हैं। देखिए, संगम में 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, उन तीनों नदियों का नाम पूछा था। तो वहाँ पर ऑप्शन में काफ़ी अलग अलग नदी दी हुई थी, तो उसमें से आपको छांटना था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका गंगा, यमुना और सरस्वती। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे ने, बहुत कम बच्चों ने जो है गलत किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन था, हिमाचल के रिसोर्ट पहाड़ी क्षेत्र में निम्न में से कौन सा शहर स्थित है। रिसोर्ट पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा शहर स्थित है, यह करके जो है क्वेश्चन किया हुआ है। तो उसका सही आंसर जो होगा वो आपका रानीखेत होगा। रानीखेत बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मेगा फूड पार्क का आयोजन कहाँ किया गया है। मेगा फूड पार्क का आयोजन, तो इसमें सही आंसर आपका आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मेगा फूड पार्क का जो पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगामी और कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ था, किस संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका 73वां संवैधानिक संशोधन। 73वां संवैधानिक संशोधन जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां संवैधानिक संशोधन आपका जो है वो नगर निगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की आबादी कितनी है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, तो इसमें जो है आपके बिल्कुल एग्जिट आंकड़े दिए हुए थे, वो बता रहे थे बच्चे की बिल्कुल करेक्ट आंकड़े दिए हुए थे, तो उसमें आपको छांटना था। तो उसमें 19,98,00,000 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूरिया पर सब्सिडी बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यूरिया पर सब्सिडी बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसमें सही आंसर जो था वो था आपका, किसानों को सस्ते दाम पर जो है यूरिया उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों के शासन से पहले भारत का प्रमुख व्यवसाय नहीं था, यानी कि अंग्रेज़ों के आने के बाद जो है व्यवसाय बना।
तो इसमें जो है आपके तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें सही आंसर आपका जो होगा वो होगा पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि अंग्रेजों के शासन के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े जोड़ने के लिए निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री नहीं थे। तो इसमें सही आंसर होगा आपका पीसी महानलोबिस। ठीक है, ये जो थे आपके बाद में थे, इनके नाम पर एक पंचवर्षीय योजना भी इनके उससे चलाई गई थी, इनके कह सकते हैं इनके सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार में निम्न में से किस शासक का सहयोग नहीं है। तो कुतुब मीनार आपने सुना होगा कि कुतुब मीनार कई शासकों ने मिलकर बनाई थी, क्योंकि उसके कितने ही कुछ स्तंभ किसी इल्तुम इसने बनवा दिए थे, उसके बाद में निर्माण होता चला गया। तो उसमें सही आंसर जो होगा वो आपका होगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर जो होगा वह आपका होगा मृतकों का टीला। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, लूसेंट से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास का उत्पादन, इसके बारे में आपसे पूछा हुआ था कि सिंधु सभ्यता के इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था कपास के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सोच के अनुसार आदर्श ग्राम, महात्मा गांधी की सोच के अनुसार आदर्श ग्राम होना चाहिए, सत्य कथन छाँटिए। उसमें सत्य कथन छाँटना था। तो उसमें सही आंसर जो था वह था आपका मार्गदर्शन व विचार का पालन करने वाला, मार्गदर्शन व विचार का पालन करने वाला, यह बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन आंसर था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम संख्या पूछी गई थी तो वह 552, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको मैं बता दूं 545 सदस्य हैं फिलहाल में, 545 सदस्य हैं वर्तमान में, 545 सदस्य हैं और अधिकतम हो सकते हैं 552। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए महाद्वीप में उससे संबंधित उस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश छांटिए। तो नीचे दिए गए महाद्वीप में उससे संबंधित, नीचे महाद्वीप दिया गया था उससे संबंधित छांटना था, तो उसका सही आंसर जो था वो ब्राज़ील था, इस तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में पावर ट्रिप किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई मेमोरी स्टोरेज के लिए सही विकल्प होगा, अस्थाई मेमोरी स्टोरेज के लिए सही विकल्प होगा। दोस्तों यह विकल्प के आधार पर ही इसका आंसर दिया जा सकता है, तो हमारे पास विकल्प नहीं है तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपने यदि वहाँ यह क्वेश्चन किया होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट की पहुँच के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आप इंटरनेट की पहुँच के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि उस सर्च करने के लिए, तो क्या करेंगे, सर्च इंजन का प्रयोग करेंगे। देखिए गूगल या वहाँ पर याहू या अदर सर्च इंजन नहीं दिए हुए थे, तो केवल सर्च इंजन का नाम दिया हुआ था, तो सर्च इंजन वहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से यूपी का ज़िला नहीं है, पूछा गया था निम्न में से कौन यूपी का ज़िला नहीं है। तो वहाँ पर दिया होता देहरादून, देहरादून जो है यूपी का ज़िला नहीं है, यह उत्तराखंड का ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ट्रिंगल उससे मेल नहीं खाती है। देखिए यहाँ पर पूछा गया था टैग लाइन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी टैग लाइन उससे मेल नहीं खाती है। तो वहाँ पर दिया हुआ था कोटक महिंद्रा बैंक जो है उससे मेल नहीं खाती है। दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारे जीके के क्वेश्चन बताने की कोशिश की है और उनका आंसर भी दिया है। दोस्तों अब इसके बाद हमारी हिंदी की वीडियो आएगी जिसमें हम हिंदी के क्वेश्चन बताएंगे आज के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे हुए। तो दोस्तों आपको करना होगा हमें सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जिससे आप हिंदी की वीडियो देख सकें। तो कुछ ही समय बाद मिलते हैं हिंदी की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।